आज है 22 जनवरी 2024, यानी कि गाइस हम हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा खुशी का दिन है। आज सभी लोग जानते ही होंगे कि राम मंदिर अयोध्या में है। तो गाइस मैं सोचा हूँ कि आज मंदिर में जाऊंगा, बहुत दूर है, मेरे सोच से भी दूर है। और मंदिर गाइस काफी खूबसूरत मंदिर है, हमने आज के अवसर पे मुझे वहां जाने का मौका मिला। वहां भी अब तक बुलावा नहीं आता गाइस, तो अब तक आप लोग जा नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं सैम ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी अच्छा हूं। तो आज है 22 जनवरी 2024, यानी कि गाइस हम हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन है आज। आज गाइस मतलब अयोध्या में जो 500 साल पुराना मंदिर, मतलब 500 साल बाद फिर से एक बार अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है, वो भी आज के दिन 22 तारीख को, 22 जनवरी 2024 को। तो वो है आपका अयोध्या में राम मंदिर है। तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि राम मंदिर अयोध्या में है। तो गाइस मेरा तो अयोध्या जाना होगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं तो अयोध्या जा पाऊंगा नहीं आप लोग दिखाने के लिए। पर हाँ गाइस, हमारे यहाँ पे पास में एक बहुत बड़ा राम का जो भक्त हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, उसका मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो गाइस मैं सोचा हूँ कि आज मंदिर में जाऊँगा। और मंदिर गाइस काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, वहाँ भी अब तक बुलावा नहीं आता गाइस, तो अब तक आप लोग जा नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए। तो इतना सामने मंदिर होने के बाद भी हनुमान मंदिर, पर ये फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, और लोकेशन हो सके तो बता देंगे वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन को सॉल्व करना, और अगर ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पर फॉलो करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलिए गाइस आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं जो मंदिर था हनुमान मंदिर, उसके सिर्फ सामने में खड़ा हूं, और जो मंदिर है वो मेरे आगे में है। तो मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर कितना मतलब अच्छा सजाया गया है। सजाया मतलब कभी भी काम चल रहा है, ठीक है, मैं ठीक से पूरा सजाया नहीं गया है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सजा रहा है। तो फिलहाल मैं मंदिर के बाहर में हूँ, और देखते हैं पूछेंगे कि अंदर में जा सकते कि नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही मंदिर में मतलब बहुत पहले ही आए थे एक बार, तो बोला था कैमरा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं जाएंगे, आगे भैया लोग कर रहे हैं काम वाम हो रहा है डेकोरेट का, तो आगे जाएंगे और पूछेंगे, अगर अंदर अलाव होगा तो ठीक है, वरना बाहर से आप लोग सिनेटिक सीन जाके चल जाएंगे। तो ये है मंदिर, और देखिए आपको यहाँ पे पोस्टर दिखता होगा, जय श्री राम लिखा हुआ वहाँ पे, और राम जी का पोस्टर लगा हुआ है, और राम मंदिर बनाया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। भैया अंदर वीडियो बना सकते हैं, वीडियो अंदर बना सकते हैं, नहीं मैं बार फास्ट हुआ। तो भैया लोग का कहना है यहाँ पे कि वीडियो बना सकते, पर अंदर का पूछना पड़ेगा ना एक बार। तो भैया अंदर वीडियो बना सकते हैं, अंदर वीडियो बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, और भी किसी से पूछा नहीं हूँ, तो भैया लोग बता रहे थे कि अंदर वीडियो बना सकते हैं, पर जाके पूछना पड़ेगा पहले, पर्सनल अच्छा है, वीडियो बना सकते हैं अंदर में। काका भीतर वीडियो तो भरी, एक सेकेंड आई, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, मुझे एक्चुअली पहले ही डाउट हुआ था मंदिर इसमें अंदर में वीडियो बनाने का परमिशन नहीं है, तो ऐसे ही हुआ, अंदर गया था तो गार्ड से पूछा, तो बोल रहा वीडियो बनाने का परमिशन नहीं है यहाँ पे। तो जाएंगे ऐसे दर्शन करेंगे, और आप लोगों को बाहर से कुछ सिनेमेटिक दिखाएंगे, जो सजाया गया वो सब दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो में। तो अगर अंदर जाने देता तो अच्छा होगा, क्योंकि अंदर भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है, अंदर तो जा सकते नहीं है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो जो सजावट बाहर से दिखाया है वो सब मैं आप लोग दिखा देता हूँ, और जो भैया लोग अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और इतना खुशी का दिन है, इसे क्या बताए। तो बाहर से आप लोग सिनेमेटिक का मजा लीजिए, और मैं जाता हूँ अंदर में दर्शन करने के लिए।
मैंने इतना खूबसूरत सजाया गया था। और ये मंदिर जो है काफी खूबसूरत मंदिर है। मंदिर में अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे इसमें पूजा करने का सामान वामान सब अवेलेबल मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आपको बाहर से लेने की दरकार नहीं है, जो सामान आप लोग मैंने बाहर से मत लाइएगा, क्योंकि पूजा का सामान वामान वगैरह आपको यहीं पर मिल जाएगा। और भाई लोग मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, है कि ना। कॉपी देखो अच्छे गुनू चार दिन हो गया लो, तो चार दिन से भाई लोग मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अंदर भी काफ़ी सजाया गया है, तो मैं दिखा नहीं सका आप लोगों को। तो मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ और मंदिर इतना अच्छा है गाइस कि क्या बताएं। तो मंदिर का बाहर आ गया है और सबसे दुख ये लगा कि अंदर गए थे पर अंदर में वीडियो बनाने नहीं दे रहा था, तो वीडियो अलाउ नहीं था, बोल रहा था। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियो बना रहे थे, तो मैं ही बनाने का मन कर रहा था। और गाइस ऐसा नहीं सोच सकता कि आपका भाई मतलब अंदर जाकर वीडियो ना बनाए। गाइस मैं भी आप लोग छोटा मोटा क्लिप जो है वो चुप चुप के मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, आप लोग देखेंगे वीडियो में कि मैं अंदर जाकर छोटा मोटा क्लिप रिकॉर्ड किया हूँ। आप लोगों को मैंने जो मंदिर है वो अच्छा लगा होगा और मंदिर अंदर काफ़ी ज़्यादा सुविधा है, तो जितना ही बना छोटा मोटा वीडियो आप लोग के लिए बनाया अंदर जाके चोरी छुप के, और ज़्यादा ठीक से बना नहीं सके क्योंकि बोल ऐसे अंदर में गेट बारन किया था और बनाते फिर कुछ दो तीन बात बोल देता अच्छा नहीं लगता, खराब हो जाता ना, इसलिए थोड़ा मोटा क्लिप रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। और ये इच्छा गाइस मेरे वाइफ का था मैंने यहाँ पर आने का आज का, बट उसका तो हुआ नहीं, बट हम आके जो मंदिर से दर्शन किए, ठीक है, हम दर्शन कर दिए। और अगर टाइम मिलेगा तो कभी उसको भी लेके आएंगे यहाँ पे और उसको भी दर्शन करा देंगे, क्योंकि इच्छा उसी का था आने का यहाँ पर आ गया मैं। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग आइएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि अंदर में कैसा क्या सीन नहीं है, मैं ठीक से दिखा नहीं सका आप लोगों को। और आप लोग यहाँ पे आते हैं तभी आप लोग समझ में आएगा। तो यहाँ का लोकेशन है, ये पड़ेगा आपका पाकुड़िया, पड़ेगा पाकुड़िया में पड़ता है ये मंदिर। पाकुड़िया आप लोग नहीं जाने, आप लोग को हावड़ा आना पड़ेगा। हावड़ा से हावड़ा पे आके आपको वहाँ से बस पकड़ना पड़ेगा 63 बस, और डोमजूर बस आप पकड़ के आपको सोलभ में उतरना पड़ेगा। और सोलभ से उतर के आप लोग टोटो या ऑटो का बोलिएगा कि पाकुड़िया जाएंगे, पाकुड़िया जो मंदिर है राम मंदिर वहाँ जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे लेकर आ जाएगा। तो ये यहाँ का लोकेशन, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा लोकेशन, आप लोग समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, पहले से कमेंट करना, तो इस वीडियो को मैं ही पे स्टॉप करूँगा। और हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, सामने जो बेल आइकन फॉलो करना। और अगर ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक फॉलो करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलिएगा आप लोगों से मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइस, जय सियाराम बोलना तो बनता ही है, तो जय सियाराम, टाटा, बाय बाय।